हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार मैंने ना मलाई से बनाया था अभी थोड़े टाइम पहले ही मक्खन। तो मैं कैसे मक्खन निकालती हूँ मलाई से वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं मेरा दूध ना रात को गर्म कर देती हूँ और ठंडा करके उसको ना फ्रीज में रख देती हूँ। तो फिर जो रात में जितनी मलाई आनी आती है, थिक मलाई आती है फ्रीज में रखा दूध की, तो फिर मॉर्निंग में मैं सबसे पहले उठती, जब दूध यूज़ नहीं करती हूँ उससे पहले ही वो मलाई निकाल के साइड में निकाल देती हूँ कोई टिफिन या फिर भगोने में। और ऐसे करते मैं ना कम से कम 7 या 10 दिन की मलाई इकट्ठी करती हूँ। और जब इकट्ठी हो जाती है तो फिर ना मैं उसको एक बाउल में निकाल के चम्मच या फिर किसी फोक चम्मच से आप उसको मलाई को तोड़ के एक वापस लिक्विड फॉर्म में, जो है जैसे दूध फॉर्म में उसको ले आना है अपन को। तो मैं थोड़ा सा अलग सा दूध भी गर्म करके उसमें डालती हूँ ताकि उसका जो टेम्परेचर है जो फ्रिज का होता है वो नॉर्मल हो जाता है और फिर वो मतलब ना जमाने लायक हो जाती है। तो फिर उसमें मैं ना दही डाल देती हूँ तो वो जम जाता है। तो 2 दिन तक मैं रखती हूँ उस दही को अच्छे से फ्रिज में, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है और गर्मी अगर फ्रिज में रखेंगे तो जो अपना मक्खन है वो जल्दी निकल जाएगा। तो बस फिर मैं फ्रिज में से निकाल दूंगी उसको। और ये मेरे पास इतनी मलाई है, इसको मैं 2 बार में मक्खन बनाऊंगी क्योंकि थोड़ा इसमें पानी भी जाएगा। तो आप जहाँ रहते हो अपने ना टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मतलब मक्खन निकाल सकते हो। जहाँ हम रहते हैं वहाँ गर्मी है अभी बहुत ज़्यादा है, तो मैं ना फ्रिज में रखा था ठंडा है दही, और फिर ना मतलब नॉर्मल पानी डालूंगी तो वो मक्खन निकल जाएगा। अगर आपकी ना ज़्यादा गर्मी नहीं होती है और ठंडे रहता है तो आप ना फ्रिज में नहीं रखे, बाहर ही रखे, दूसरे दिन ही मक्खन निकाल सकते हो। और नहीं हो तो हल्का सा गर्म पानी करके, मतलब मैं जो इसका ना मक्खन निकालने का प्रोसेस है वो ना पानी पे है और टेम्परेचर पे है। अगर उसको ना लिक्विड को सही टेम्परेचर मिलेगा तो जल्दी मक्खन निकल जाएगा। तो बस मेरा ये देखो मक्खन निकल गया है। मैं ये जो व्हिप क्रीम होती है उसी मशीन से निकालती हूँ, या फिर कभी ना मिक्सी में भी निकाल सकते हो। और खास बात ये है कि ना अगर इस तरीके से अपन घी निकालेंगे ना तो जो स्मेल आती है ना मलाई की वो बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि अपन जमा देंगे इसको दही फॉर्म में ले आएंगे तो एकदम प्रॉपर मक्खन निकल के आएगा। तो यार मैं तो ऐसे ही मक्खन बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हो ये कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इस प्रोसेस से बनाओगे तो ना कंफर्म है कि आपकी ना मलाई से जो स्मेल आती है वो नहीं आती है, नहीं आएगी। तो बस मेरा मक्खन हो गया है रेडी। अब मैं इसको निकाल के फ्रिज में रख दूंगी और जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं बस गर्म कर दूंगी। हां वो करा तो सोचो उधर कुछ आ गया। नहीं 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 आया, चलो 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 ऐसे चलो। हां ऐसे बस एक बार लो आ गया अब फिर बस बढ़ गई। चलो ओ ये निकाल, इसे निकाल दो, निकाल 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 हाँ निकाल। वाह ना, तो इतनी देर नन्हों यहाँ खेल रहे थे और मेरे जो होम हेल्पर है वो उसको खिला रहे थे। ये सब चीज़ें इसीलिए बाहर निकाली थी कि आज हम बना रहे हैं मंगोड़ी, और तो उसी के लिए ये सारी चीज़ें बाहर निकाली थी। तो बस उसको मैंने ना आने ला के सुला दिया है क्योंकि फिर वो ये काम करने नहीं देगी। तो यहाँ पे पापा जो है वो दाल पीस रहे हैं। ये है मूँग की दाल जो ना एक दिन पहले गला देते हैं और फिर धो के इनके जो छिलके होते हैं वो निकाल देते हैं, और फिर इसको इस ना इसको क्या कटोला या गटिया बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो इसमें से ना ये दाल पीसते हैं जिसमें थोड़ी सी लाल वाली साबुत मिर्ची वगैरह धनिया साबुत सब डालते हैं और फिर पीसते हैं और फिर इसका ये जो पेस्ट बनता है इससे हम बनाते हैं मंगोड़ी, और हमारे राजस्थान में इसको बोलते हैं बढ़िया। तो फिर ना वो मैं और मम्मी बना रहे हैं और पापा वो पीस रहे हैं। तो जल्दी बन गई थी, घंटा भर लगा था बट ना पूरी बन गई थी। सबसे पहले डालो इसमें। हाँ हाँ जल्दी करो बेटा, कितना सारे बहुत डालो आप। बस 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 ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा अच्छा नहीं लगता बेटा। आप ओवर कर रहे हो तो फिर मैं नहीं बनाने दूंगी आपको, सिखाऊंगी भी नहीं। फिर आप बोलो, अब थोड़ा सा बॉर्नविटा डाल दो, स्पून ले लो वो बड़ा। बस ओके, बहुत एक नावन चम्मच ओके। अब थोड़ा सा ये कोको पाउडर ले लो, स्पून से लो, स्पून से हाफ। अरे ऐसे गिर जाएगा, स्पून अंदर डालो, स्पून अंदर डालो, वो उधर उसके आगे ही लो। मेरा किचन ये तो क्लीन है और मैसी नहीं होना चाहिए। हाँ ये ओके ओके। थोड़ी सी कॉफी, कॉफी ना हाँ चलो ले लो थोड़ी सी। हाँ बस 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 हाँ चलो हो गया। थोड़ी सी शुगर डाल ली है ना, हाँ डालो उसमें। दूध में चम्मच गीला कर रहे हो फिर इसमें डाल रहे हो, थोड़ी सी और डाल दो।
बस हो गया। मैंने तो सोचा नहीं था इतनी सारी चीज़। हाँ तो ये मिल्क शेक नहीं होना। बोलो तीन। बस चलो ऑफ करो, और करो ऑन। वापिस निकाल दो। हाँ अब निकाल दो, बस हो गया। ओके निकाल दो ऊपर, बस सीधा कर दो। मम्मी को दे दे, मम्मी को दे दे, मम्मी को दे दे। अब खोल दे, खोलो फिर। वारे मरा सैफ। पापा एक काट दिया चॉकलेट रो। मैं तो फोड़ी कर दी। अच्छा ऊपर से डालो, दिख ही नहीं रहा है। उधर साइड से डालो ना। क्या? हाँ उस हाथ से डालो इसमें। हाँ इसे बस काफी। इत्रो इत्रो काफी है। लो ग्लास तो देखते आज मेरे हाथ से बने हुए कितने। मी पूछे मत, आपसे भी मिट्टी। सच में? चलो आपको चाहिए ना ना, आपको पीना है। चलो आप बड़ी अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।